हेलो। हाँ जी, अच्छा ठीक है। अरे कहाँ, अच्छा इतना सामान कैसे लेके आऊँगा, कहाँ कहाँ मिलेगा यार ये? अभी थोड़ा बिजी भी था मैं। अच्छा ठीक है, हाँ तो मेरे को लिस्ट भेज दो, देखता हूँ कहाँ कहाँ मिलेगा, सारा चेक कर लेता हूँ, वही ढूंढ लूँगा। ठीक है, मैं ड्राइव करता हूँ, फिर करता हूँ, अगर कुछ मिलेगा कुछ सामान तो मैं बता दूँगा आपको। ठीक है, ओके ओके। हाँ ये मार्केट ठीक है, यहाँ से मुझे लगभग सामान मिल जाएगा। चलो कोशिश करता हूँ ढूंढने की। अबे यार, ये टेम्पो के आगे गाड़ी कौन लगा गया? आज तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी मुझे। मालिक के फोन आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। कब लोग दूसरे का ख्याल करना सीखेंगे यार। गया आज तो मैं, गया बिल्कुल गया। गाड़ी लेके पता आपको किसकी है? यार मैं तो यहाँ पे पीछे रहता हूँ, मुझे तो पता नहीं यार। भैया मेरे को लेके जाने का सुना था, ये गाड़ी बड़ी खड़ी पड़ी है, तो ये निकालना है। हाँ ये निकालना है। देख हैंड ब्रेक नहीं लगी हुई तो धक्का मार रही है, बड़ी पीछे कर देता। सर हैंड ब्रेक लगी हुई है यार, लोग भी निकलेगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं। एक बार वो देख लेते हैं, स्टिकर विकर पर लगा होगा कहीं, बड़ी विंडशील्ड पे यहाँ पीछे लगा देते हैं। एक बार नज़र मार उस साइड, कोई ना कोई तो होगा, इस पर कुछ है। यार लोगों को अगर ढंग से पार्किंग नहीं करनी तो एनजीओ का स्टिकर लगा लेना चाहिए। मैं एक बंदा जानता हूँ, वो मैं बुला देता हूँ उसे, अगर वो हेल्प कर पाएगा तो ठीक है, वो शायद हैंड ब्रेक नीचे करवा दे तो आगे धक्का मरवा देना, जब इमरजेंसी ना हो तो मैं। हेलो, हेलो, अभी लॉकस्मिथ से बोल रहे हैं आप? अरे भैया गाड़ी खुलवानी थी यार, जरा यहाँ पे टो करवानी थी, बड़ी दिक्कत सी हो गई एक जगह पे, बंदे ने अपना टेम्पू निकालना है तो वहाँ पे बंदा गाड़ी फंसा गया। ये किस लोकेशन पे है कार? हाँ भैया वही लोकेशन है जहाँ पे आपको पहले भी बुलाया था ना, सेम। ठीक है जी मैं आता हूँ। हाँ बस मैं निकल रहा हूँ, 15-20 मिनट के अंदर मैं आपके पास आ जाता हूँ। ठीक है आप मुझे शेयर कर दो। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। वो कह रहे हैं कि 10-12 मिनट लग जाएंगे उन्हें आने में, अगर तब तक ये आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भैया 10 मिनट बाद आएगा, तो मैं भी अगर इधर ही रहता हूँ, मैं अगर देख लूँगा मेरे सामने आ जाएगा तो ठीक है, हम मिलके ना इसकी खुलवा के यहाँ पार्क कर देंगे, जैसे कि जो बंदा आएगा वो परेशान ना हो। लेकिन वैसे तो गलत ही है। परेशान होती है। चलो देखो कोई भी होगी दिक्कत तो मुझे शेड आना, वहीं पे मेरा घर है, तो वहाँ पे आप ला लो। ठीक है जी। हाँ जी, ये एक फाइबर का स्टोन चाहिए मुझे, जिसमें ना नीचे ड्रॉर भी होना चाहिए, और हेलो सर, ये आपने एक लॉक खुलवाने के लिए ब्लैक बॉक्स पूछा ना? हाँ मैं लोकेशन में आया हूँ, कौन सी गाड़ी और कहाँ कैसे मिला? हाँ अच्छा, मैं हाँ गाड़ी के सामने ही हूँ मैं, आप आ जाइए कैसे करना। अरे वो ड्राइवर खड़ा हुआ है। सर सर ये लोग जाना था, कोई गाड़ी अभी लोग आ गए हैं खड़ी कर गया, हमें उसे लोग खुलवाना है, इधर ड्राइव करना है, धक्का लगा। अच्छा आगे करनी है। देख जरा काम करा दिया ना, कैसे लगा जाते हैं?
इतनी जगह खाली है यहाँ पर यार, मैं तो इस बात से हैरान रहा, इतनी जगह खाली पड़ी है यहाँ पे गाड़ी खड़ी है। स्टिकर भी लगा ना आपका? हाँ वो एनजीओ वाला स्टिकर भी लगा। असली प्रॉब्लम तो वो बंदा कॉन्टैक्ट कर ले, ये नंबर छोड़ा यार, कुछ तो करे। अभी गाइडेंस मिलेगी ना लोगों को शुरू हो जाएगा। हाँ भाई, इसलिए ना जान बूझ के करते हैं, अभी गाड़ी थोड़ी आगे रखते हैं, जब वो बंदा आएगा ना उसे पता चलना चाहिए। ठीक है, पैसे चलू मैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। तो आप पेमेंट ऑनलाइन कर देना। बिल्कुल, मैं आपकी पेमेंट ऑनलाइन करा दूंगा। एंड होपफुली आगे तो लोग ऐसे कहते ना कि भाई हमें अभी लोगों को एनजीएफ का भी आइडिया नहीं लग रहा है ना। एनजीएफ वही ना, अभी थोड़ी नई चीज है, नई चीज है। हां ये दिक्कत है, फोन नंबर पहले लगा देते होते थे लोग, बट चलो कोई बात नहीं। एंड थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू, आपने हेल्प करा दी। बाकी ऐसे स्टेप हमें ना लेने पड़े दूसरों के लिए, हम जानते भी नहीं, ठीक हो जाएगा सब कुछ धीरे धीरे। चलो जी, थैंक यू जी। हाँ जी भाई साहब, कुछ हो गया क्या आपका? हाँ जी, क्या हुआ जी? मेरी गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी और टेम्पो भी खड़ा था एक यहाँ पे, तो और ना मेरी गाड़ी है ना वो टेम्पो है, मुझे समझ नहीं आ रही मेरी गाड़ी गई तो गई कहाँ। तो आपने टेम्पो के आगे गाड़ी खड़ी करी थी? हाँ, टेम्पो तो पीछे लगा था मैंने, उसकी बिल्कुल लगाई थी, साथ में लगाई थी। सर आप जगह देखो, यहाँ पे पार्किंग की जमीन नहीं है, आप टेम्पो के आगे गाड़ी खड़ी करके जा रहे हो। सर गाड़ी आपकी i20 थी, रेड कलर की। हाँ जी, आपको कैसे पता? सर सर वो तो मैंने टो करवा दी। टो करवा दी? हाँ जी सर। सर ऐसा कैसे कराया आपने टो? सर आप किसी और को परेशान कर रहे हो, वहाँ पे आपने गाड़ी खड़ी कर दी, उस बंदे को जाना है, उस बंदे की नौकरी है, कुछ भी है यार, एम्बुलेंस भी हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था। सर वो खड़ी गाड़ी थी इसलिए मैंने लगाया, पर फिर भी चलो आपको दिक्कत तकलीफ हुई, मैं इसलिए सॉरी कह रहा हूँ। दिक्कत नहीं, लेकिन आपने अब ऐसी कोई दिक्कत होती है, आपको इमरजेंसी में कहीं पर भी गाड़ी खड़ी करनी है, तो गाड़ी पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख लो या फिर एनजीएफ का स्टिकर ही लगा लो। ये एनजीएफ क्या है? सर एनजीएफ एक ऐसा स्टिकर है, जैसे आप कॉन्टैक्ट नंबर दो वो तो सेफ नहीं है आजकल, किसी के भी हाथ में लग जाए, तो एनजीएफ के स्टिकर से आप स्कैन कर सकते हो, पेटीएम से, कैमरा से, गूगल लेंस से, किसी भी चीज से। सिंपल है, इतना सा स्टिकर है कार्ड की फॉर्म में आता है और क्यूआर कोड होता है उसके ऊपर, आप प्रिंट स्क्रीन पे लगा सकते हैं। तो उससे कोई भी स्कैन करके आपका बिना नंबर आपका देखे, आपका नंबर नहीं जाएगा, लेकिन वो आपको मैसेज कर सकता है। नंबर मतलब कि मेरा नंबर उसमें दिखेगा? नहीं, नंबर नहीं आएगा, वो आपके पास ऑप्शन है कि आप नंबर दिखाना चाहते हो या नहीं दिखाना चाहते। नहीं सर, इसी वजह से तो मैंने नंबर लिखा नहीं है, तो कह रहा हूँ कोई गलत बंदा मेरे को कॉल कर दे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सही बात, नंबर भी उसके अंदर नंबर डालने की जरूरत नहीं। सर वो बात चले तो ठीक है, मैं इसको ऑर्डर कर लूँगा, पर मेरी गाड़ी कहाँ है सर? टेंशन ना लो, गाड़ी आपकी टो नहीं कराई है, बस आप इसी पास कराइए। ओ देखो जी, आपकी i20 खड़ी। ओ माय गॉड। तो आगे से आपने ये चीज का ध्यान रखना है। सॉरी सॉरी सर, सॉरी सॉरी, मैं मान रहा हूँ सर, मेरे से गलती नहीं है। देखो ये आइडिया आपको बहुत अच्छा है, मतलब कि ये कहाँ से कैसे ऑर्डर करना पड़ेगा? ऑनलाइन आप जाओगे NGF 132 लिख देना, ठीक है, वहाँ पे आप ऑनलाइन परचेज कर लो, सिर्फ 100-150 रुपए की आइटम है, ठीक है। दो स्टिकर आपको मिलेंगे, आगे का भी पीछे का भी, कार्ड की फॉर्म में आएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपको लगाना, एक बार रजिस्टर करना है, उसके बाद आप स्कैन करोगे तो कोई भी आपको मैसेज वैसे भेज, ठीक है, बहुत सिंपल चीज। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, ध्यान रखना। थैंक यू सर, खाली खाली रहता हूँ। अच्छा, जो बंदा है काम करता है वाले, तभी आप मेरे को देख रहे कि मैं टेंशन न हो, तभी मेरे पास आया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं सर। थैंक यू, टेंशन ना लेना, गाड़ी आपकी बिल्कुल से ऐसा कुछ डैमेज नहीं है, बस खुलवाई थी और हैंड ब्रेक काम कर, ऐसी कोई दिक्कत हो ना हैंड ब्रेक हटा के चला। अच्छा, ये उन्हीं ने करवाया? एनजीएफ नहीं करवाया? एनजीएफ से नहीं, मेरा बंदा था। अच्छा, तो आप आगे से कभी बाजन लगानी पड़े ठीक, तो आप हैंड ब्रेक काम करके चले जाए, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर।